कायम मकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी कहते हैं लोग नफरतें फैलाने की कोशिश करते हैं। वफाकी हुकूमत गैर कानूनी पना गुजीनों को सिंध से निकाले और उनके मुल्क में वापस भेजे। हमारी कोशिश है कि बल्दियाती इलेक्शन पुरमन हो, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो कानून एक्शन लेगा। आज़ाद कश्मीर में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया है जो एक हफ्ते तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। इंतजामिया ने सयाहों और मुसाफिरों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने 26 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने, नदी नालों में तुफ़ानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क में कोरोना के 592 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक 21,264 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.78 रही। पहले से जेरे इलाज 7 मरीज इंतकाल कर गए। और खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी टीचर्स और केपी हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। असातिज़ा ने बनीगाला में इमरान खान के घर के बाहर धरना खत्म कर दिया।